नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विस देखिए, अभी करंट जो है थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है कैंडल के अंदर, और 0.5% पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 383 पे रेट पे। और अभी इसमें जो है ना, करंट की बात किया जाए, करंट सिचुएशन की फरवरी के महीने से, तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे देखिए, 1 फरवरी से काउंट कर रहे हैं जहाँ पे ब्रेकआउट लिया था, तो इसमें ना 58% का शानदार रिटर्न दिया है। और ये 58% हो गया, और एक आर्टिकल आया है उसमें देखिए तो उसमें जो है ना, 6 महीने के अंदर 73% का लिखा हुआ है। ये अभी तो 22 घंटा पहले, मतलब कल के दिन ही आया, तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है हो चुका है। दूसरा चीज़ आपको बताऊँ दूसरे तरीके से, देखो इनका ना Q4 रिजल्ट जो था, Q4 रिजल्ट जो जियो फाइनेंशियल का है वो काफ़ी अच्छा रहा, वो निकल गया। इनकी पेरेंट कंपनी कौन सी थी? रिलायंस है, तो रिलायंस की रिजल्ट जो है वो आके चला गया बराबर। तो जितने भी इवेंट थे, इवेंट के रिलेटेड, और इनका एक अच्छा न्यूज़ भी आता, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, ब्रोकिंग बिजनेस में काम करना चाहते हैं, तो ये भी इवेंट आके चला गया। तो इस जितने भी न्यूज़ आए ना, उसके वजह से एक मूवमेंट, यहाँ जब गिरावट हो रही थी, ये न्यूज़ आया ना वेल्थ वाला, वेल्थ हो गया, फिर हमें क्वार्टरली रिजल्ट है, तो मूवमेंट यहाँ तक पहुँचा दिया। अब क्या है कि इसमें ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो कंटिन्यू इसने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए आया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे ये ब्रेक करता है बराबर, तो इसमें ना 2368 तक का तो डाउन साइड जरूर देखने को मिल सकती है, यहाँ तक डाउन साइड, क्योंकि 20 पॉइंट तो डाउन साइड आएगा ही। अगर इसको भी ब्रेक कर लिया ना, तो फिर हमें आप समझ करो इस कैंडल के लो तक का देखने को मिल सकती है, जो कि 350 के आसपास है। मगर ये जो है ना, कंपनी फंडामेंटल अच्छा, बीच में क्या गिरावट हो रही है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जो भी यहाँ से अगर बुक कर रखा है 60% का अगर प्रॉफिट बुक को मतलब हो रहा है उसको, जहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे रेड दो, अगर एक से दो रेड कैंडल बन गया यहाँ पे बराबर, तो वो थोड़ा सा वो भी हल्का करने जाएगा, तो वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने लगेगा। जब यहाँ पे गिरावट होगी, यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो थोड़ा लॉन्ग फिर दोबारा खरीदना चालू करेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और कोई नया न्यूज़ आ गया कल, अगर आ गया परसों आ गया, तो फिर हमें थोड़ा आउट साइड रहेगा। न्यूज़ नहीं आ रही है, रेड कैंडल बन रहा है, तो दबाव पक्का आएगा। बाय सर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल परिवार तो प्लीज सब्सक्राइब करना चाहिए।